हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरितापुरी कुकिंग एट होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम न्यू झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम समय में ये टेस्टी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आप इन्हें नोट कर लें। इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन, 1/2 कप मैदा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 पिंच बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और लम्स फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। मेजरमेंट का आप खास ध्यान रखें, आप सेम यही मेजरमेंट लें तभी आपकी रेसिपी बढ़िया बनेगी। मैंने इस बैटर को बनाने के लिए 1 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है और मैंने सेम वही कप लिया है जिस कप से मैंने बेसन को नापा था। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, सेम इसी तरह की होनी चाहिए, फ्लोइंग होनी चाहिए, ये थिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम एक नॉनस्टिक तवा ले लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें बटर डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। अभी हमने जो बैटर रेडी किया था उसके 3 से 4 चम्मच बड़े वाले हम इसमें डाल देंगे और तवे को यूं घुमाते हुए इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। इसकी लेयर पतली होनी चाहिए, फ्लेम को लो ही रखना है, हाई फ्लेम में इन्हें बिल्कुल नहीं पकाना। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। आप इसे इसी तरह से दोनों तरफ से अच्छे से कुक करके रोल करके सर्व कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, आप वो देख लें, आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो बनाएं। इसके ऊपर ही हम अब रख देंगे ब्रेड का एक स्लाइस और उसके ऊपर हम एक बार फिर से ये जो हमने बैटर रेडी किया है बेसन का वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। अभी हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे। हम बस इतना ही पकाएंगे ताकि इसे हम इजीली पलट सकें। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। जब ये हल्का सा कुक हो जाएगा तो ये इस तरह से तवे को छोड़ने लग जाएगा, तब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। इसे पकने में सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। इसे अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये खुले ना। अब हम इसे पलट लेंगे और 1 मिनट कुक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम इसे एक बार फिर से पलट लेंगे और इसके ऊपर हम अब लगाएंगे चीज़। ये मैंने स्लाइस चीज़ लिया है और थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ या फिर स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स। इसे अब हम ढककर सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमारा टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी है। आप इसे बिना अंडे का चीज़ी वेजिटेरियन ऑमलेट भी कह सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।